बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी वेडनेसडे 13 सितंबर 2023। हम लोग अभी मक्का में ही हैं। आज माशाल्लाह दूसरा उम्रा भी अदा किया, तो अभी होटल से नीचे आए हैं तो मुझे सामने अल बैक नज़र आया है। इट्स अ वेरी फेमस शॉप, एक फ्राइड चिकन शॉप है अल बैक। जो लोग सऊदी अरब में आते हैं उन लोगों को यकीन पता होगा। तो चले चलकर थोड़ा सा बैक ट्राई करते हैं जी। माशाल्लाह जी सामने हरम और ये जी अल बैक नजर आया। कुछ धूप तो ज़्यादा नहीं लगी हुई, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा कुछ टेस्ट करते हैं। कुछ स्वाद जी हमने लिया जी, चिकन नगेट कॉम्बो मील। थैंक यू। ये जी हमारा नगेट मील, बेसिकली इसकी सिर्फ टेक अवे है यहाँ पर, और जो इनकी नॉर्मल वैरायटी होती है वो यहाँ पर नहीं थी। बता रहे थे कि इनकी जो दूसरी ब्रांच है यहाँ पर अजीजिया में, वहाँ से आपको ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। लेकिन चलें कोई नहीं, मदीना इंशाल्लाह जाएंगे, वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल अपना चिकन नगेट मील इंजॉय करते हैं। एंड मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हवा तो चल रही है लेकिन थोड़ी सी गर्म हवा है, क्योंकि दिन के वक्त आज तकरीबन 40 के करीब टेम्परेचर था, तो लेकिन इसमें थोड़ी सी हवा चल रही है। मेरा ख्याल है यही कि बैठ जाते हैं बेंच पर, अपना बेंच नज़र तो नहीं आ रहा। ये जी जबले उमर रोड, जबले उमर जुमेरा होटल, और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है इस इलाके में। अभी कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं वहाँ पर। ये बिल्कुल सामने हरम जी। अभी मगरिब में तकरीबन 1.5 घंटा पड़ा हुआ है, तो चले उतनी देर कोई इनके लोकल बाजार जो हैं उनको चलकर देखते हैं, कुछ सुविनियर्स वगैरह लेते हैं वहाँ से, जाय नमाजें तस्बीहां वगैरह। वो सामने बाजार लग रहा है जी, वहाँ चलते हैं। ये जी बिल्कुल क्लॉक टावर, तो हम उसकी बैक साइड पर आए में सड़क क्रॉस कर लेते हैं जी यहाँ से। माशाल्लाह वेरी नाइस जी। आने वाले कुछ सालों में ये जगह बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी। माशाल्लाह हरम की भी एक्सटेंशन हो रही है काफी बड़ी। अच्छा, इस जगह पे जी पाकिस्तानी होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं। पाकिस्तानी लाहौर होटल, बाजार लग रहा है जी। ये हाजियों की बस आई है कहीं से। तारा अल खलील होटल, इन गलियों के अंदर भी होटल्स हैं। यकीनन ये थोड़े से बजट के, लो बजट के होटल्स होंगे, लेकिन हरम ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। मेरा ख्याल है 2-4 मिनट की वॉक ही होगी। इब्राहिम अल खलील स्ट्रीट, ये
ये जायनवाज लिया है जी, और हम नाम लिखवा रहे हैं जी अब्दुल्ला। जी अभी एक दोस्त से बात हुई है शहरी से, उसने मुझे सजेस्ट किया है कि इस बाज़ार में एक गन्ने का जूस मिलता है, गन्ने का रस, वो उसको जाके ज़रूर ट्राई किया जाए। तो चले ढूंढते हैं जी अगर हमें कोई शॉप मिल जाए। भाई गन्ने का रस कहाँ से मिलेगा? गन्ने का, गन्ने वाला कौन सा वाला? ये अच्छा कह रहे हैं जी, इस किसी गली के अंदर है जी ये शॉप कोई। राइट, मुझे लग रहा है सामने ये वाला। ओह यस, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। गन इसे गन्ना है, गन्ने का जूस। कैन हैव वन प्लीज? फाइव रियाल दिस साइज। शुक्रिया भाई जी, वेरी रिफ्रेशिंग और बहुत मीठा। नाइस जी, थैंक्स शेरी। कुछ जानवाज़ लिए हैं जी, कुछ फैमिली फ्रेंड्स के लिए, नाम लिख रहा था। मेरा ख्याल रेडी है, कलेक्ट कर लिया भैया। रेडी सब? कोई बैग है आपके पास? बैग नहीं है? अच्छा देख, मैंने कहा पैसे पकड़ा रहे हो। ये इसको बैग में डाल दो भाई। चलो शुक्रिया भाई, थैंक यू जी। मगरिब का वक्त हो रहा है थोड़ी देर में, हरम की तरफ वापस चलते हैं ताकि इंशाल्लाह वहाँ जाकर मगरिब की नमाज अदा करेंगे। मगरिब की अजान होने वाली है जी, तो चलते हैं जी इंशाल्लाह अपनी नमाज अदा करने के लिए। अल्लाहु
जी अल्हम्दुलिल्लाह, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और हरम में ही रहा, उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ी और अब वापस चलते हैं अपने होटल की तरफ। तो इंशाल्लाह सुबह रवानगी होगी मदीना शरीफ की तरफ, तो मक्का को सुबह इंशाल्लाह खैराबाद कहेंगे। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सारी बातें, नमाज़ें, सजदे, दुआएं कबूल मंजूर फरमाएं और अपने घर की हाज़िरी बार बार करना नसीब फरमाएं। तो चलिए जी, इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह सुबह आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया।